लास्ट वीक बहुत ज्यादा ट्रैवल हुआ है यहाँ वहाँ, और अंदर से पूरी कार गंदी हो चुकी है। पूरे अंदर की जम्स को हम लोग क्लीन करते हैं। मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं 3M कार केयर इंटीरियर जर्म क्लीन कराने के लिए, क्योंकि अभी लास्ट वीक बहुत ज़्यादा ट्रैवल हुआ है यहाँ वहाँ, और अंदर से पूरी कार गंदी हो चुकी है। एंड पैकेज में इंटीरियर जर्म क्लीन है, सो हम लोग आज जाके करवाएंगे। और उसमें क्या क्या कवर होता है, कैसे क्या होता है, वो पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है मेरे बाइक KTM Duke 390 के सर्विस का, वो ज़रूर जाके देखो। सबसे सस्ते में सर्विस की, क्योंकि सर्विस के लिए कुछ था ही नहीं उसमें, वो जाके ज़रूर चेक कीजिए। आई बटन में लिंक ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं आपको। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं 3M कार के, अभी जल्दी से बाहर जाता हूँ और मैनेजर से बात कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आज मैं लेट हो गया, पहले से ही दो तीन गाड़ियाँ तो ऑलरेडी आ चुकी हैं, अभी गाड़ी अंदर ले जा रहे हैं। सो गाइस, मेरे साथ में अश्विन जी, जो कि बिजलपुर 3M कार केयर में मैनेजर हैं। लास्ट टाइम भी आपको वीडियो में मिलाया था मैंने, जब पेंट सिलेक्ट किया था। सो आज हम लोग करने वाले हैं इंटीरियर जर्म क्लीन। सो उनसे पूछते हैं हम कि इंटीरियर जर्म क्लीन में क्या क्या होता है और क्या कवर होगा, और इंटीरियर जर्म क्लीन प्लस और इंटीरियर जर्म क्लीन में क्या डिफरेंसेस है। राइट सर, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जर्म क्लीन और जर्म क्लीन प्लस में अंतर क्या है। पहले मैं आपको जर्म क्लीन के बारे में बताना चाहता हूँ। जर्म क्लीन का फुल फॉर्म होता है जर्म क्लीन, मतलब पूरे अंदर के जर्म्स को हम लोग क्लीन करते हैं। हम लोग सबसे पहले गाड़ी क्लीन करते हैं, फिर जितने भी सेंसिटिव पार्ट होता है लाइक म्यूजिक सिस्टम हो गया हमारा, सॉरी डोर हो गया, सब पे हम लोग मास्किंग करते हैं, क्योंकि सर एक भी लिक्विड अंदर नहीं जाना चाहिए। लिक्विड अंदर जाएगा तो काम करना बंद कर देगा, ये हमारा ख़राब हो जाएगा वो। उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग करते हैं रूफ से, स्टार्टिंग हम लोग रूफ से करते हैं। हमारे फॉर्मिंग रहता है, फॉर्मिंग बेस रहता है हमारा 3M का रहता है। पहले रूफ हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग डैशबोर्ड पे आते हैं सेकेंड, अब फिर थर्ड हम लोग सीट पे आते हैं। सीट के बाद हम लोग तो सीट पे, जैसे मैंने फैब्रिक हटा के ये वाला करवा दिया था, तो इसमें भी मतलब हो जाता है वो? बिल्कुल सर, हो जाएगा। एंड लाइक लेदर सीट्स जैसी रहती है? बिल्कुल सर, क्या होता है कि अगर आप जैसे 3M के बारे में आपको पता है, 3M जो भी हमेशा लिक्विड उसका बहुत अच्छा रहता है वो, तो उसका जो भी लिक्विड रहता है वो सबको देख के बनाया जाता है। जैसे अगर मुझे पता है कि लेदर पे यूज करूंगा मैं, तो मैं लेदर वाले फोम ही यूज करूंगा मैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी यूज कर लूंगा। मतलब फोमिंग के दो टाइप के होते हैं, एक हमारा प्लास्टिक होता है, एक हमारा मल्टीपर्पज होता है। तो प्लास्टिक भी हम लोग प्लास्टिक ही लिक्विड यूज करते हैं हम लोग, है ना, तो आपका सीट मेंटेन रहता है। और जब हम लोग सीट के बाद हम लोग सीट बेल्ट आता है, सीट बेल्ट भी साफ करते हैं हम लोग, फ्लोर साफ करते, फ्लोर मेट साफ करते हैं हम लोग, एक एक पार्ट चेक करना पड़ता है। एसी वेंट जो आता है, एसी वेंट पूरा साफ करते हैं हम लोग, बोनट पूरा, बोनट ओपन करके पूरा डीप डिटेलिंग होता है सर उसमें भी। हम लोग एपीसी यूज करते हैं, जो हम लोग का 3M का आता है, एपीसी यूज करते हैं। फिर हम लोग डिक्की का पूरा इज एवरीथिंग, मतलब आपका पूरा डिक्की ओपन होगा, पूरा अंदर से आपका डीप क्लीन होगा, एपीसी होगा, फिर अंदर आपका स्टेफनी बाहर आएगा, स्टेफनी पॉलिश होगा, मतलब पूरा डीप क्लीन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं जम क्लीन बोलते हैं। और मैं आपको जम क्लीन प्लस बताना चाह रहा हूँ कि जम क्लीन और जम क्लीन प्लस में अंतर क्या होता है। आपको जम क्लीन के बारे में तो आपको बता दिया मैंने, अब प्लस सर देखिए, दोनों का काम सेम होता है, जम क्लीन और जम क्लीन प्लस, बट प्लस में फाइव चीज एड ऑन हो जाता है। पहला फाइव चीज एड हम लोग एड करते हैं उसमें, जो एड करते हैं, फर्स्ट एड करते हैं हम लोग एसी वेंट, एक स्प्रे होता है एसी वेंट का, जिसे एसी वेंट हम लोग करते हैं। सेकंड डोर चैनल स्प्रे होता है पूरा, डोर विंडो स्प्रे होता है हमारा सर, बैटरी टर्मिनल, जो बैटरी आपकी आती है वो टर्मिनल हम लोग स्प्रे करते हैं। और आपका जो सबसे लास्ट जो आता है वो टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट को हम लोग स्प्रे करते हैं, जिससे आपकी गाड़ी परफेक्ट रहती है सर, जंग नहीं लगता आपका रेस जहाँ, सर सबसे डिपेंड करता है जंग लगना, जब जंग गाड़ी में लगना स्टार्ट होता है ना, क्योंकि डोर चैनल ऐसे कैसे पाते ना कि बहुत जल्दी जंग लग जाता है उसमें। तो आपको उस चीज़ के लिए जम क्लीन प्लस ही, मैं वैसे भी जितने मेरे पास कस्टमर आते हैं मैं जम क्लीन प्लस ही उनको प्रीफर करता हूँ मैं। सर क्या होता है, सिर्फ एसी वेंट का हम लोग 1300 रुपये चार्ज करते हैं, बस 1250 एक्स्ट्रा लेके फाइव चीज एड करके देते हैं सर, तो बेनिफिट तो है ही सर। ओके, तो आपको जम क्लीन ही करवाना चाहिए। और आज हमारे सर आए हुए हैं, अब इससे सर हमारे बहुत पुराने क्लाइंट है, तो हम लोग इनकी गाड़ी में आज जम क्लीन करने वाले हैं। तो मैं आपको एक ही प्रोसेसिंग भी आपको मैं शेयर करूंगा कि हम लोग स्टार्टिंग क्या करते हैं, मास्किंग कैसे कर रहे हैं हम लोग, सीट कैसे साफ कर रहे हैं, सीट बेल्ट कैसे साफ कर रहे हैं, फ्लोर कैसे साफ कर रहे हैं। फ्लोर सर एक फ्लोर तो होता है, लेकिन हम लोग फ्लोर भी क्लीन करते हैं, ऐसा नहीं कि फ्लोर हम लोग वैक्यूम कर रहे हैं, फ्लोर नीचे से फ्लोर भी हमारा लिक्विड से पूरा साफ होता है। तो आपको मैं एक एक प्रोसेसिंग में आपको आज मैं शेयर करने जाऊंगा सर। इनका भी एक चैनल है यूट्यूब, यूट्यूब पे ब्रांड सिंस 1994, ब्रांड सिंस 1994। हाँ, तो ये जरूर जाके चेक कीजिए, इनके बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। एंड इनको
आप देखोगे और इनके चैनल को अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। बिल्कुल सर, मैं तो ये चाहूंगा कि सर सर के साथ मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिले। बट एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर को पता ही नहीं होता कि यार काम क्या करवाना है। बहुत सारे कस्टमर आते हैं कि सर ये गाड़ी में काम करवाना है, उनको ये नहीं पता कि डीप क्लीन होता क्या है, एक्सटीरियर पॉलिश होता क्या है। तो आप सर देखिए क्या होता है कि एक मेरा एक्सप्लेन करना और एक वीडियो में देखना, आपको बहुत सारे बेनिफिट तो मिलेंगे उसको। एंड मतलब कितना इंटरवल में करवाना चाहिए? सर 1 ईयर में 2 बार करवाना चाहिए। स्पेशली इंडिया में बारिश के बाद जरूरी हो जाता है? नहीं सर, देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे जो इंडिया, हम लोग एशिया में रहते हैं ना, यहाँ का वेदर बहुत अलग है। वेदर है तो हम लोग आउट ऑफ कंट्री और एशिया की बात करें तो हमारा वेदर बहुत अलग है ना। तो हम लोग बिफोर बारिश और आफ्टर बारिश। अच्छा, क्योंकि सर क्या होता है जितनी भी बारिश के टाइम स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। हाँ। और एक जब ठंड आती है हमारी, तो बॉडी का जो स्मेल रहता है ना वो पूरे कार में आपका सेट हो जाता है। Okay. तो हमें बिफोर बारिश और आफ्टर बारिश हमें करवाना ही चाहिए सर, मतलब 6 मंथ। okay, आपको ड्यूरेशन आपको स्पेशली बारिश के टाइम पे जो फंगस लगने के चांसेस मॉइस्चर की वजह से, राइट सर, अंदर मतलब इंटीरियर्स में लगने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जी राइट, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर, तो इसलिए करवाना चाहिए सर। एंड वेंटिलेटेड सीट्स रहती हैं, जैसे बहुत सारी गाड़ियों में आज की डेट में वेंटिलेटेड सीट्स आ गई, तो उसमें फिर प्रॉब्लम तो नहीं होती वो? नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है कि जो थीम के जो एप्लीकेटर बहुत बेस्ट होते हैं, उनको सब पता है कि सर कहाँ पे कितने लिक्विड लगाने और गाड़ी को कैसे। सर देखिए, अगर मेरे पास जितनी भी लग्जरी गाड़ी आती है तो मैं लड़के भी वैसे एप्लीकेटर लगाता हूँ, मैं किसी को भी गाड़ी छूने नहीं देता हूँ मैं। अगर सर कोई न्यू पर्सन रहेगा ना सर, अननोन पर्सन रहेगा, तो वो काम कर ही नहीं पाएगा सर वो, तो उससे कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं सर। मुझे पता है कि किस बंदे को कहाँ पे लगाना, किस एप्लीकेटर को क्या काम करवाना सर, तो आपकी गाड़ी परफेक्ट क्लीन काम हो सकता है सर। तो फिर अब मिलते हैं जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो सब वीडियोस दिखाते हैं हम लोग। तो गाड़ी को पीछे डाल रख दिया गया है, अब होम वॉश होगा एंड देन पूरा इंटीरियर जंप क्लीन होगा। तो अभी हम चलते हैं एंड शाम को मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं 3M पार्क पे और कार हो चुकी है। चलो हम जल्दी से जाके देख लेते हैं। ऊपर PPF की है ना? PPF कलर पार्ट में PPF हुआ है, बाकी पार्ट का सेरामिक हुआ है। ओके, ये इसके ऊपर PPF हुआ होगा? PPF हुआ है यहाँ पे, बाकी क्रोम पार्ट पे ये जो है ना मेटल सिरामिक है। मोटरसाइकिल भी करवाते हैं। गाइस इंटीरियर जंप क्लीन अच्छी तरह से हो चुका है, गाड़ी अंदर से मस्त चमक रही है एकदम टकाटक। सो ये हो गई सर्विस कंप्लीट। अगर आप मेरे रेफरेंस से यहाँ पे आते हो तो कुछ परसेंट डिस्काउंट आपको ज़रूर मिलेगा 3M कार केयर में।
ये डेफिनेटली है। सो अगर आपको अपनी गाड़ी अच्छी तरह से मेंटेन करनी है, इंटीरियर एक्सटीरियर, तो 3M कार केयर ज़रूर विजिट करें। एक रेडिसन पे है, रेडिसन के जस्ट ऑपोजिट साइड में, एक बीजलपुर पे है, अशोक लेलैंड के शोरूम के साइड में। सो चलो गाइस, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड अश्विन जी का जो चैनल है वो ज़रूर ज़रूर देखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वेयर हेलमेट एंड सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।